यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान चलाएगी यूथ कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर सक्रिय हुई मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, नगर निकाय चुनाव से उत्साहित। नसरुल्लागंज में नदी में फंसे 6 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू, ईंट के भट्टे पर तेज बहाव में फंस गए थे यह लोग। बारिश के चलते खुले इंद्रा सागर डैम के 12 गेट, नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, डाउन स्ट्रीम के सभी जिलों में अलर्ट जारी। राजधानी में लगातार जारी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बारिश ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश में जारी रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर, नर्मदा तूफान के चलते खुले ओंकारेश्वर डैम के 6 गेट, पुलिस और राजस्व विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ जुनैद, और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि कोरोना काल के पहले तक 58 साल से ऊपर की महिला को रेल टिकट में 50% और 60 साल से ऊपर के पुरुष को 40% की छूट थी, मगर कोविड के दौरान यह सुविधा बंद कर दी गई और अब हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया। रेल मंत्री ने इसके तर्क में नफा नुकसान का लंबा चौड़ा हिसाब किताब भी बताया है। इससे यह समझ आ रहा है कि केंद्र सरकार रेलवे के घाटे को कम करने के लिए बुजुर्गों का नुकसान करना चाहती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को रेलवे की सुविधाएं अब तक क्यों जारी है? उन्होंने कहा कि इनकी सुविधाएं भी बंद किया जाना चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश एमएसओई मेडिकल विंग के पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परवान ने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शिवराज सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया और भगवान से मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार युवा पंचायत के नाम पर युवाओं से छलावा कर रही है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस नगर निकाय चुनाव से उत्साहित होकर अब यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई पदाधिकारियों, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्षों, जिला उपाध्यक्षों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में यूथ कांग्रेस की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। मिशन 2023 को लेकर युवा कांग्रेस लगातार सक्रियता बना हुए है, जिसको लेकर वह बूथ लेवल तक काम कर रही है। भोपाल में रविवार को ही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, इससे बड़े तालाब की जीवनदायिनी कुलांस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय बोरखेड़ी, कोड़िया, फंदाकुंड सहित कई गांवों में इसका पानी भर गया है। इसके अलावा फंदा, पिपलिया, ईटखेड़ी में कुलांस नदी का पानी मुख्य सड़क से 3 फीट ऊपर बह रहा है। एसडीएम ने एहतियातन एसडीआरएफ की टीम की तैनाती के निर्देश दिए हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में रेस्क्यू के लिए एक टीम को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया है। बहुत अच्छा मौसम है भोपाल का, डैम पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 दिनों से तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन आज का मौसम देख के तबीयत भी अच्छी हो गई और मौसम तो बहुत ही अच्छा है। डैम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो डैम के गेट खोले गए हैं? हाँ, पहले 3 गेट खुले थे, अब 6 खुल गए और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। संडे का दिन बहुत अच्छा था। मैं इंदौर से हूँ एग्जैक्टली। भोपाल में मुझे पहली बार साइफंस देखने का मौका मिला है, भोपाल की बारिश पहली बार मिली है और वाकई में हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी रेन मतलब भोपाल में मैंने फर्स्ट टाइम देखी है 6 सालों में। मेरे को यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर साइफन, पहली बार खुलते हुए देखा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। किसके साथ आए आप? पापा मम्मा। क्या नाम है आपका? आरोही। आज देख सकते हैं कलियासोत डैम के जो गेट खोले गए हैं, पहले 2 गेट खोलने की बात की गई थी, लेकिन भीषण बरसात के चलते देखिए दिखा सकता हूं मैं आपको, लगातार 6 गेट खोल दिए गए हैं।
राजधानी के अंदर कल की अगर बात की जाए तो बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ चुका था, कलियासोत डैम का भी आज जल स्तर बढ़ चुका था और आज यहां पर जो 6 गेट खोल दिए गए इसको लेकर राजधानी वासी लगातार इस बरसात का भीषण बरसात का नजारा देखते हुए यहां पे भीड़ लगी हुई है और यहां पे नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है जो चेतावनी दे रही है, लगातार सायरन बजा रही है, लोगों को समझाइश दे रही है कि दूर रहिए क्योंकि पानी का बहाव और पानी का जो जल स्तर है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा इस तरफ, देखिए आप इसका जल स्तर, देखिए आप किस तरीके से पानी का बहाव जो आ रहा है, लगातार पानी का जो जल स्तर है धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, जिसको देखते हुए 6 गेट खोल दिए गए हैं अब तक कलियासोत डैम को और यहाँ पे आवागमन को भी किस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि शांतिपूर्वक निकले यहाँ से और यहाँ पे ज्यादा भीड़ ना लगा इस पुल के ऊपर और लोग लेकिन फिर भी इस प्रकृति के नजारे को देखने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से लोग भीगते हुए पानी के अंदर खड़े हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं कुछ लोग, भोपाल के बाहर के भी हैं कुछ लोगों से मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा तो आप लोग भीषण बरसात में आए हुए हैं जी, ये देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा, काफी बारिश हुई है भोपाल में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, कैसा लगा ये? बहुत खूब। देखिए ये बता रहे हैं कि बहुत खूब लग रहा है, यहाँ पे सुंदरता का नजारा देखने को मिल रहा है, लोगों को नगर निगम के यहाँ कर्मचारी भी खड़े हुए हैं, लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं सावधानी बरतें, किसी भी तरीके से कोई भी घटना घटित ना हो इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा के व्यवस्था के नगर पालिका और नगर निगम के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ राजू प्रजापति, खबर भारत भोपाल। सीहोर जिले में पानी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं। नारदी थाना अंतर्गत ग्राम भिलाई में नर्मदा से आ रही रेत लेकर पुल धंसने के कारण नाह गाड़ी नदी में जा गिरी। लगातार बारिश के कारण जिले के कुछ मार्गों के जल नगरीय पुलों पर आवागमन बंद है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से पुल पर पानी आ जाने के कारण रेहटी अब्दुल्लागंज मालेबाया झोलिया पुल, रेहटी नसरुल्लागंज दिलकेशगंज नीलबड़ रामनगर झालकी खंडागढ़ यारनगर और ग्राम डेडी डोराहा मार्ग बंद कर दिया गया है। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने नागरिकों से अपील की है कि नदी नाले रपटा पर जलभराव की स्थिति में वहां से गुजरने वाले रास्तों को बाढ़ एवं पानी होने की स्थिति में पार नहीं करें। शनिवार को नसरुल्लागंज के ग्राम विटारसी में नदी किनारे ईंट के भट्टे पर गए 6 मजदूरों के नदी के तेज बहाव में फंसने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को दी गई। उसके बाद एसडीएम दिनेश सिंह तोमर और अन्य टीमों ने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए मजदूरों से संपर्क साधा, छिपा लेकर भी ग्रामीणों की सहायता ली गई। आखिरकार 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 10:30 बजे करीब हम लोगों को पता लगा था, एक तो आपके माध्यम से पता लगा था और मुझे एसडीपी साहब ने बताया था कि इटारसी के पास में नाले के पास में कुछ 6 लोग फंसे हुए हैं। हमने तत्काल एसडीआरएफ की टीम को भी वहाँ पे सीहोर में बोला, वो लोग भी आ गए थे और हम लोग भी पहले पहुँच गए थे वहाँ पे और पहुँचने के बाद में टीम भी आ गई थी। हालांकि उसके पहले हमने नदी के पास नाला है जहाँ पे ईंट का भट्टा था, वहाँ पे 6-7 लोग गए थे तो नदी पूर चल रही थी और इत्तेफाक से इधर नाला भी आ गया तो बीच में वही 6 लोग फंस गए थे वहाँ पे, जिसकी सूचना हमने मीडिया को दी तो मीडिया ने प्रशासन को अवगत कराया और मौके पर आकर सभी ने एसडीएम अधिकारी एसडीपी साहब टी साहब और एनडीआरएफ की टीम वगैरह सभी ने आकर के रेस्क्यू करा, गाँव के लोगों ने आकर के सभी ने करके उनको बाहर निकाला। 2 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर बसा है रजनखेड़ी, जहां की ग्राम पंचायत सोठिया में आलम यह है कि ना तो गांव जाने का मार्ग सही है और गांव के अंदर पानी की निकासी न होने से गांव के रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। वहीं कुछ निचली बस्तियों में भी पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आना जाना करते हैं। बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बड़े गड्ढे को लेकर साल 2018 से आवेदन सौंपा जा रहा है, लेकिन 2 एसडीएम बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदले तो गांव के हालात।
नर्मदापुरम जिले में लगातार हो रही बारिश से तगा डैम के गेट आए दिन खोले जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए प्रदेश भर से सैलानियों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच डैम को देखने पहुंचे अचानक पानी बढ़ने के चलते नदी के बीच धार में फंस गए। दरअसल तस्वीर खिंचवाने के शौक में चारों युवक डैम के पास नदी की चट्टान पर पहुंच गए थे। इसी दौरान नदी में पानी बढ़ गया और चारों युवक पानी के बीच फंस गए। इधर युवकों की चीख पुकार की आवाज सुन ग्रामीणों ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने लकड़ियों के सहारे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचाया, जिसके चलते बड़ी घटना होने से टल गई। युवकों के नदी में फंसे रहने और रेस्क्यू करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शनिवार सुबह से ही हो रही बारिश और नर्मदा के पूर्वी क्षेत्रों में हो रही बरसात के साथ ही बांध के गेट खोले जाने से नेमावर में नर्मदा के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। रविवार सुबह तक नेमावर में नर्मदा का जलस्तर 882 मीटर के करीब पहुंच गया था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा तट पर लगी दुकानों को हटवाना शुरू कर दिया। वहीं निचली बस्तियों को भी खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की माने तो नर्मदा में अगले कुछ घंटों में जलस्तर और बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए धर्मशाला स्कूल समेत अन्य स्थानों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था है? प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हमारी पुलिस टीम और हम लोग सब यहाँ पे हैं, घाट पर उपस्थित है और साथ ही हमारे सभी कर्मचारियों की ड्यूटी हम लोगों ने लगा दी है। अभी हमारा जलस्तर जो नर्मदा का है वो 880। मालवा माटी में जन्मे और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद नरसिंहगढ़ स्टेट के कुंवर चैन सिंह की महाराज के बलिदान दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक छार भाग में पूजा अर्चना के बाद उन्हीं के वंशज महाराजा जितेंद्र सिंह पवार की उपस्थिति में गार्ड ऑफ सलामी दी गई। तो वहीं सीहोर स्मारक पर नरसिंहगढ़ रियासत के महाराज वर्तमान विधायक राज्यवर्धन सिंह द्वारा पूजा कर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि कुंवर चैन सिंह बलिदान दिवस 1980 से मनाते आ रहे हैं। 42 सालों से यह बलिदान दिवस राज परिवार की उपस्थिति में मनाया जाता है। तो वहीं नरसिंहगढ़ नगर में यह बलिदान दिवस एक अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। उसके पश्चात हमारे महात्मा गांधी की अगुवाई में अबुल कलाम साहब शहीद अपने अनेक शहीद हुए, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया और उसमें हमको गौरव है कि आज एक हमारे नरसिंहगढ़ के युवराज, हमारे नरसिंहगढ़ के सपूत, उनका नाम भी आज देश को आजाद कराने में और अंग्रेजों से लोहा लेने में और देश की आजादी में अपना योगदान देने के लिए उनका भी सितारा आसमान में चमक रहा है। हमारे लिए, हमारे नरसिंहगढ़ के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे सीहोर के लिए कई गौरव की बात। देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कई लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सूरजपुर के कई इलाकों में इलाज के लिए मरीजों को एम्बुलेंस के बजाय खाट पर ले जाया जाता है। ये पूरा मामला जिले के एरवी जनपद पंचायत के सुदूर दूरस्थ गांव आनंदपुर का है, जहां पंडो जनजाति के लगभग 350 लोग निवास करते हैं। हाल ही में गांव आनंदपुर के इल्ली पारा की पंडो जनजाति महिला सोन कुंवर पंडो को अपने घर पर सर्प ने डस लिया, जिसे बेहोशी की हालत में खाट पर ढोकर परिजन लगभग 3 किलोमीटर चलकर पहुंच मार्ग तक ले गए। मुश्किल से पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओडबी में पहुंचने के बाद कहीं जाकर महिला की जान बची। बता दें कि पंडो बाहुल्य गांव बरसात के वक्त नर्क से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। मेरे यहाँ रोड का भारी समस्या है, रोड पुलिया, कोई भी बीमार पड़ता है, गर्भवती होते हैं महिला लोग, तो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर खाट से ढोकर कावलते हैं, मुख्य मार्ग पर ले जाते हैं एम्बुलेंस के लिए। रास्ता तो बहुत दिन से ही नहीं, जब तक पंडो लोग यहाँ बसे हैं ना, तब से यहाँ रास्ता नहीं है। यहाँ कितने पंडो लोग की लगभग यहाँ पंडो समस्या, रोड बहुत भारी है, निकलने का निकास नहीं है। जब तक से हम लोग यहाँ
जो 15 लोग बसे हैं तब तक से यहाँ विकास नहीं है, बहुत भारी हम लोग का समस्या है आने जाने के लिए। रोड और पुलिया बहुत भारी समस्या है यहाँ। मेन पार्ट वन परिक्षेत्र के बरडौट का मामला है, जहां हाथियों के दल ने वृद्ध दंपत्ति के घर में हमला कर दिया। इसमें वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति घायल हुआ। बता दें कि घायल पति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नर्मदापुर में ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। हाथी के पहुंचने पर घर छोड़कर भागते वक्त हाथियों के दल ने पति पत्नी पर हमला किया था। मृतक पत्नी का नाम बसंतिया और घायल पति का नाम विश्वनाथ बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी अब 26 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। 3 दिन पहले ही बीजेपी की महिला मोर्चा और रायपुर इकाई ने विधानसभा के घेराव का फैसला किया था। वहीं अब बीजेपी के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने सुशील आनंद पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 14 विधायक सदन में होने और नेता प्रतिपक्ष के बाद भी बीजेपी सदन में मुद्दा न उठाकर विधानसभा का घेराव कर रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके कार्यकर्ताओं ने भरोसा करना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 4 पर्यटन केंद्रों में जश्न जायका का आयोजन किया, जिसमें गोरेला पेंटा मरवाही जिले के छेरछेरा इको टूरिज्म केंद्र को भी इसके लिए चुना गया। इस कार्यक्रम में राज्य की कला संस्कृति के साथ साथ जीवन शैली और खान पान का परिचय कराया गया। जश्न जायका कार्यक्रम में पर्यटकों के अलावा मरवाही और मस्ती विधायक भी शामिल हुए। इस मौके पर मरवाही विधायक के ध्रुव ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। फॉरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ भी 45% हमारे यहाँ फॉरेस्ट है और प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ का यह भी एक ठीक है। देखिए, अच्छा प्रयास है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और ये शुरुआती दौर है, इसका भी प्रचार प्रसार आगे हो, यहाँ जो आने वाले को फैसिलिटी और भी मिले, जैसे लाइट की कुछ व्यवस्था आगे होना है। महेश्वर में पूर्व विधायक राजकुमार मेघ के नेतृत्व में ओंकारेश्वर के लिए विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। कांवड़ यात्री ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर देश और जिले के लिए खुशहाली की कामना करेंगे। जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए प्रशासन एक रथ को तैयार कर रहा है, ताकि जबलपुर वासी हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी कर सके। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाती ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए, जिनके मुताबिक 11 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। कराने के लिए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान लेना चालू हो रही है। जबलपुर जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी को लेकर ना हम लोगों ने काफ़ी कुछ ना तैयारी कर ली गई है, काफ़ी लोगों के ना बैठक भी लिए हैं। हमारे नेशनल फ्लैग को हर घर ना हमको ना फहराने के लिए हम लोग जिला प्रशासन कराने के लिए। राजधानी भोपाल में कई घंटों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा और तमाम अधिकारी मैदान में डटे हुए हैं। बता दें कि लालघाटी के जयनगर, बीडीए कॉलोनी, विठल नगर, निर्मल रेसिडेंसी आदि क्षेत्रों में जल भराव की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर
हालात का जायजा लिया। ओंकारेश्वर बांध के जलाशय का जलस्तर 196.6 मीटर पहुंचने से बांध के गेट खोलने पड़े। यहां पर बांध के 6 गेट खोले गए, आधा आधा मीटर की ऊंचाई तक खोले गए गेट से जलस्तर नियंत्रित नहीं होने पर इनको खोलना पड़ा। इस तरह पावर हाउस की टरबाइन से नर्मदा में 5000 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बांध के डाउन स्ट्रीम में नर्मदा नदी का जलस्तर करीब 2.5 फीट से ज्यादा बढ़ चुका है। खबर बड़वानी से है, जहां पौधारोपण कार्यक्रम के तहत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अपने साथी अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की मौजूदगी में सीएम राइज स्कूल रजवानी की पहाड़ी पर पौधरोपण किया। बता दें कि अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि ये स्कूल प्रदेश का सबसे अच्छा सीएम राइज स्कूल बन सके। जिस पहाड़ी पर बैठे हुए हैं मेरे पीछे आपको जो सीएम राइज स्कूल है ये सतवानी का स्कूल दिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको बड़वानी जिले का पहला। जबलपुर में जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर पौधरोपण करने की योजना बनाई है, जिसे लेकर नदी तालाबों के किनारे स्कूलों और खाली मैदानों पर पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अमृत सरोवर के आसपास और नर्मदा तटों पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए जबलपुर शहर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इस सिलसिले में डेंगू नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। इसको लेकर एक विशाल जन जागरण रैली का आयोजन भी किया गया। रैली को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शहर के सभी संभागों और वार्डो के लिए रवाना किया। डेंगू मलेरिया के नियंत्रण के लिए 16 संभागों के लिए वाहन सहित 5 श्रमिकों की स्प्रे मशीन, पंप, पोर्टेबल फॉगिंग मशीन, जला हुआ तेल और दवाइयां सहित 80 श्रमिकों की टीम है जो कि बीमारियों पर नियंत्रण करने का काम करेगी। साथ ही डेंगू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत नागरिकों को संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी जाएगी। डेंगू मलेरिया की बीमारी बढ़ती है, अभी वर्तमान में भी जो है वायरल फीवर की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही है। इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ये चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जो है व्यापक रूप से जो है अभियान चला के जो है किया जाए। आज के कार्यक्रम में जो है तो उसी हिसाब से शुरुआत की जा रही है। आयुक्त महोदय सदा आने वाले थे लेकिन उनका कहीं कोई मीटिंग जरूरी आगे इसलिए वो नहीं आ पा। शाजापुर में स्कूल बस चालक की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से शाजापुर के नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के दौरान शाजापुर के बिकलाखेड़ी धाराखेड़ी रोड पर चिलम नदी के पुल पर भी पानी तेजी से बह रहा था। वहीं इस खतरे के बीच एक स्कूल बस के चालक ने अपनी जिद और लापरवाही से बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। तो ये थे अब तक के समाचार। इजाजत दीजिए, नमस्कार।